नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 5 अक्टूबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में सभी पैक्सों को किया जाएगा कंप्यूटराइज। बिहार में कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा पर्यटन स्थलों की सैर का मौका। बिहार के इस जिले के सभी पंचायतों में है पुस्तकालय। बिहार में सोलर लाइट लगाने के लिए आगे आई 41। औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए बिहार में नई टेक्सटाइल नीति तैयार होगी जल्द। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में सोलर लाइट लगाने के लिए आगे आई 41 कंपनियां। बिहार में 7 निश्चय 2 के तहत गांव-गांव सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने को लेकर 41 कंपनियों ने रुचि ली है, जिसके बाद इन कंपनियों की तरफ से सोलर लाइट से जुड़े अलग अलग उपकरण तैयार किए जाते हैं। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने इसको लेकर अपनी रुचि दिखाई है, जिसको लेकर ही हाल ही में ब्रेडा ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया था। पंचायत चुनाव के बाद गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का काम तेज होने वाला है, जिसके बाद अब एक पंचायत में अधिकतम 150 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने का काम करना है। एक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया जाएगा। जिन कंपनियों ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने की योजना में दिलचस्पी ली है, उनकी फैक्ट्री का निरीक्षण कर देखा जाएगा कि स्थिति में है या नहीं कि सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए सामग्री की आपूर्ति कर सके। बीपीएससी की 65वीं परीक्षा का परिणाम आएगा इस तारीख को। बीपीएससी की 65वीं परीक्षा का परिणाम घोषित करने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार बीपीएससी की 65वीं परीक्षा का परिणाम 7 अक्टूबर को आने वाला है। इसको लेकर बीपीएससी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर सारी जानकारी साझा कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार आयोग की तरफ से परिणाम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 65वीं के माध्यम से 14 विभागों के 423 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बिहार में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग की योजनाओं के लिए अब बनेगा अलग निदेशालय। बिहार में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की योजनाओं का क्रियान्वयन अब इस संदर्भ में किया जा रहा है कि निदेशालय के माध्यम से ही सारा काम किया जाए। निदेशालय के लिए 446 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। वर्तमान समय में पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के हित में चलने वाली योजनाओं का संचालन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के माध्यम से हो रहा था, जिसके कारण ही परेशानी उत्पन्न हुई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए नए निदेशालय के गठन का निर्णय लिया गया था। बारिश से अभी नहीं मिलेगा कोई भी छुटकारा। अक्टूबर महीने के शुरुआत से ही सूबे के कई हिस्सों में बारिश की गतिविधियां जारी है। इस दौरान तापमान में भी कम दर्ज की गई है और तेज हवाओं के कारण ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की तरफ से साझा की गई जानकारी के मुताबिक मॉनसून की ट्रफ लाइन उत्तर से दक्षिण की ओर मध्य बिहार और इसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र होते हुए झारखंड के रास्ते होते हुए ओडिशा की ओर बढ़ रही है। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य, दक्षिण पूर्व भाग के अधिकतर जगहों पर आकाशीय बिजली चमकने, मेघ गर्जन के साथ बारिश होने के आसार है। वहीं उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य बिहार के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम में सुधार कल से देखने को मिल सकता है। पटना एयरपोर्ट पर बनेगा समानांतर टैक्सीवे। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्री सुविधा मुहैया करवाने के लिए, अन्य परेशानियों को दूर करने और सुरक्षित विमान परिचालन के लिए गठित सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन करवाया गया था, जिसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कमेटी के अध्यक्ष को एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से टर्मिनल भवन में होने वाले बदलाव की जानकारी दी गई। इसके साथ ही नए टर्मिनल भवन के निर्माण की अद्यतन स्थिति से उन्हें अवगत करवाया गया। इतना ही नहीं, एयरपोर्ट पर बने तीसरे लगेज एरिया की जानकारी दी गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों को उनका लगेज मिलने में परेशानी नहीं होगी। जानकारों की माने तो नए टर्मिनल भवन बनने के साथ साथ इसके रनवे का विस्तार अनिवार्य है। इसके लिए तकनीकी टीम बनाकर सभी विकल्पों पर विचार विमर्श को अनिवार्य बताया गया है। बीएड नामांकन प्रक्रिया का सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए जारी हुआ शेड्यूल। बीएड नामांकन प्रक्रिया का सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने शेड्यूल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। 11 अक्टूबर को सेकंड मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके लिए 21 अक्टूबर तक अंशशुल्क जमा कर सकते हैं। 18 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक छात्र कॉलेज में जाकर पेपर वेरिफिकेशन और नामांकन ले सकते हैं। ज्ञात हो बीएड नामांकन प्रक्रिया का फर्स्ट राउंड समाप्त हो गया है। पहले राउंड में 43.79% छात्रों ने नामांकन लिया है, यानी 35,843 में कुल 15,696 छात्रों ने नामांकन लिया है। वहीं 18,459 ने अंशुल्क जमा किया है। सेकंड राउंड में करीब 54% सीटों के लिए नामांकन किया जाएगा। नालंदा के
ह्वेनसांग में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। इतिहास के साक्ष्य के आधार पर ह्वेनसांग हर्षवर्धन के राज्यकाल 635 ईसा यानी कि 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में चीन से भारत आया था। इन्होंने इसी नालंदा विश्वविद्यालय में 6 साल तक आचार्य शीलभद्र के शिष्य रहकर योग शास्त्र, वेद, वेदांग, उपवेद और तंत्र शास्त्र का अध्ययन किया था। इसके अलावा हीनयान, महायान के शास्त्र का अध्ययन किया गया। शास्त्रों में पंडिताएं प्राप्त कर कुछ काल तक इस विश्वविद्यालय में अध्यापन का काम किया गया, जिसके बाद जब वो अपने देश चीन लौटे तो शास्त्रों को पीठ पर लादकर दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र होते हुए चीन पहुंचे। चीन पहुंचकर इन्होंने शास्त्रों को चीनी भाषा में अनुवाद किया। उन्हीं के प्रतीक रूप में ह्वेनसांग स्मृति भवन निर्मित है, इसलिए अब आप जब भी नालंदा जाएं ह्वेनसांग स्मृति भवन का दर्शन जरूर करने जाएं। 1 दिसंबर से नहीं चलेगी 3 जोड़ी ट्रेनें। पुमरे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार की तरफ से हाल ही में ट्रेनों के संचालन को लेकर अहम जानकारी दी गई है, जिसके तहत ठंड के मौसम में संभावित कोहरे को लेकर हटिया आनंद विहार टर्मिनल सहित 3 जोड़ी ट्रेन दिसंबर से फरवरी तक नहीं चलाई जाएगी। पुमरे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर निर्णय लिया गया है, जिसके तहत अब हटिया आनंद विहार टर्मिनस 2 दिसंबर से, आनंद विहार टर्मिनस हटिया 1 दिसंबर से 1 मार्च 2022 तक, संतरागाछी आनंद विहार टर्मिनस 6 दिसंबर से 28 फरवरी 2022 तक, आनंद विहार टर्मिनस संतरागाछी 7 दिसंबर से 1 मार्च 2022 तक, टाटा अमृतसर 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2022 तक, वही अमृतसर टाटा 1 दिसंबर से 2 मार्च 2022 तक नहीं चलेगी। इसके साथ ही राजेंद्र नगर टर्मिनल से जयनगर और सहरसा के लिए 7 चलने वाली ट्रेनें 15 अक्टूबर से नहीं चलेंगी। बिहार के सभी स्मार्ट सिटी और नगर निगम में कूड़ा उठाव की होगी नई व्यवस्था। बिहार के सभी स्मार्ट सिटी और नगर निगम में कूड़ा उठाने को लेकर खास व्यवस्था होने जा रही है, जिसके तहत राजधानी पटना की तर्ज पर राज्य के सभी 18 नगर निगम में कूड़ा उठाव की मॉनिटरिंग के लिए घरों की दीवार पर क्विक रिस्पॉन्स यानी कि QR कोड लगाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार सबसे पहले यह व्यवस्था राज्य के 4 स्मार्ट सिटी में बहाल की जाएगी। फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत पटना में यह सुविधा पहले से ही शुरू हो चुकी है। पटना में होल्डिंग नंबर वाले करीब 2.60 लाख घर है, इसमें 1.5 लाख से अधिक घरों QR कोड लगाया जा चुका है। बाकी घरों में भी नवंबर दिसंबर तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जल्द ही मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहार शरीफ में भी QR कोड से कूड़ा उठाव की सुविधा शुरू करने की योजना है। बिहार में सभी पैक्सों को किया जाएगा कंप्यूटराइज्ड। धान गेहूं की खरीद में पैक्स की भूमिका काफी बड़ी है। पिछले दिनों 4.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद और 35,50,000 मीट्रिक टन धान की खरीद इसी से हुई थी। इसी बीच अब बिहार के सभी पैक्सों को कंप्यूटराइज करने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर हाल ही में राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि देश में 65,000 पैक्स है। अगर 5 साल में इसकी संख्या बढ़ाकर 3 लाख पैक्स किए जाने की योजना है। सभी पैक्सों को कंप्यूटराइज भी किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2005 में सत्ता में आने के बाद बिहार की एनडीए सरकार ने हर एक पंचायत में एक पैक्स बनाने का निर्णय लिया था, जिसे अब मूर्त रूप देने की योजना पर काम हो रहा है। इसरो में साइंटिस्ट बना बिहार का लाल। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, जिसका प्रमाण आपको समय समय पर मिलता ही रहता है। इसी कड़ी में बिहार के एक और लाल ने बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है, जिसके तहत ही बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले आशुतोष ने अपना इसरो साइंटिस्ट की परीक्षा में देशभर में 22वां रैंक लाने का काम किया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इसरो साइंटिस्ट की परीक्षा पास करने वाले आशुतोष काफी गरीब परिवार से आते हैं। उनकी इस सफलता से जहां परिजनों में खुशी है, वहीं माता पिता को अपने बेटे पर यकीन है कि वो APJ अब्दुल कलाम की तरह देश को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी मेहनत के साथ काम करेगा। बिहार में कॉलेजों के छात्रों को मिलेगा पर्यटन स्थलों की सैर का मौका। बिहार में अब सभी कॉलेजों के छात्रों को पर्यटन स्थलों की सैर का मौका मिलने वाला है, क्योंकि जल्द ही बिहार सरकार इसको लेकर बजट से अलग से राशि का प्रावधान करने वाली है। ज्ञात हो उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। इस नई पहल से विद्यार्थी ऐसे स्थलों के इतिहास, वैज्ञानिक योगदान, परंपरा आदि से भी परिचित हो सकेंगे, जो अब तक वो किताबों में ही पढ़ते रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार विद्यार्थियों के पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु राज्य सरकार अगले साल से बजट में राशि का प्रावधान करेगी। इसके साथ ही हाई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को 1 साल में एक बार परिभ्रमण का मौका मिलता है। बिहार में किसानों पर पड़ी प्रकृति की मार। बिहार में किसानों पर लगातार हो रही बारिश कहर बनकर टूटी है। राजधानी पटना समेत बिहार के कई इलाकों में हुई बारिश के कारण कुछ इलाकों में धान की फसल भी बर्बाद हो गई है, जिसके तहत सिवान में अतिवृष्टि से 470 हेक्टेयर की फसल बर्बाद हुई है। सारण में 78,650 हेक्टेयर में फसल लगी है। बाढ़ और अतिवृष्टि से 19,420 हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। भोजपुर जिले में 93,000 हेक्टेयर में धान की फसल लगी है। जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बाढ़ और अतिवृष्टि से 17,000 हेक्टेयर फसल क्षति का अनुमान है। गोपालगंज जिले में अतिवृष्टि के कारण 10,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुआ है। बेगूसराय जिले में 1,000 हेक्टेयर की फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं कुछ जिलों में बारिश का असर कम देखने को मिला, जिसके कारण फसलों को कम नुकसान भी हुआ है।
बिहार में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीद। बिहार में 1 नवंबर से धान की खरीदारी होने वाली है। इसको देखते हुए सहकारिता विभाग ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। धान बेचने के इच्छुक किसानों का निबंधन कराने के लिए जानकारी भी साझा कर दी गई है, जिसके बाद अब निबंधन के समय ही किसानों को जमीन का पूरा ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। पिछले साल 60,000 टन धान खरीद का लक्ष्य जिले को मिला है, इस बार लक्ष्य तो अभी तक नहीं मिला। पैक्स और व्यापार मंडल द्वारा 50,828 टन धान की खरीद 9,945 किसानों से किया गया था। माना जा रहा है कि पिछले साल से इस बार अधिक लक्ष्य मिलेगा। जंगल सफारी में युवाओं को मिलेगा रोजगार का मौका। जंगल सफारी में युवाओं को जल्द ही रोजगार का मौका मिलने जा रहा है। जानकारों की माने तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय युवक को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में यह फैसला लिया गया है, जिसके तहत ही VTR प्रशासन अब निजी वाहनों को भी जंगल सफारी में लगाने जा रही है। जंगल सफारी के लिए पहले वन विभाग की ही गाड़ियों का इस्तेमाल होता था। इसको लेकर वन संरक्षक सह क्षेत्र निदेशक हेमकांत रॉय ने बताया कि जंगल सफारी के लिए निजी वाहनों का भी प्रयोग होगा, जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जिसका निबंधन ऑनलाइन करवाना होगा। निबंधन के बाद निजी वाहन चालक 800 रुपए का चालान काटने के बाद सैलानियों को जंगल की सैर करा सकेंगे। बिहार के इस जिले के सभी पंचायतों में है पुस्तकालय। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर खूब उंगलियां उठाई गई है। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे जिले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण किया गया है, जो कि आपके और हमारे लिए गर्व की बात है। इतना ही नहीं, जिले में हुई इस पहल की सराहना खुद CM नीतीश भी कई बार कर चुके हैं, जिसके तहत उन्होंने साफ कहा है कि पूर्णिया जिले की यह पहल बेहद ही सराहनीय है। हालांकि यह बिहार के लिए गौरवान्वित करने वाली बात इसलिए है क्योंकि देश में बिहार का पूर्णिया पहला ऐसा जिला है जहां की सभी ग्राम पंचायतों में शिक्षा विभाग के सहयोग से दान में प्राप्त 1,26,607 किताबों से मिनी पुस्तकालय खोले गए हैं। पूर्णिया जिला में चल रहे पुस्तक दान अभियान पर सरकार को भी मान है। औद्योगिक विकास और रोजगार के लिए बिहार में नई टेक्सटाइल नीति तैयार होगी जल्द। बिहार में नई टेक्सटाइल नीति जल्द ही लाई जाएगी। इसको लेकर उद्योग विभाग ने प्रारूप तैयार कर लिया है। बिहार में निवेश करने वाली टेक्सटाइल कंपनियों के लिए इसमें कई तरह की रियायत और प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है, जिसके साथ ही रोजगार सृजन से लेकर प्रदेश में निर्यात के विकास तक पर प्रोत्साहन राशि तय की गई है। इसको लेकर विशेषज्ञों से भी राय ली गई है, जिसके बाद अब राज्य मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद इसे लागू किया जाएगा। प्रारूप में कृषि भवन निर्माण, तकनीकी उपकरणों, रक्षा जरूरतों, फर्नीचर और घरेलू जरूरतों, औद्योगिक उपयोग, मेडिकल उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, पैकेजिंग, सुरक्षा उपकरणों और खेल जरूरतों के लिए खास तकनीक वाले वस्त्रों के निर्माण पर भी खास फोकस किया गया है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर CM नीतीश ने जताई नाराजगी। बीते दिन CM नीतीश ने एक बार फिर से जनता दरबार का आयोजन करवाया था। इस दौरान उन्होंने दरबार में आए कई लोगों की परेशानी तो जानी ही, हालांकि बैठक खत्म होने के बाद वो मीडिया कर्मियों के सवाल पर थोड़ा नाराज भी दिखे, क्योंकि बीते दिन मीडिया कर्मियों ने नीति आयोग को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि नीति आयोग किस विषय पर काम कर रहा है, सारे देश को अगर आप एक ही मानकर चल रहे हैं तो ये तो विचित्र बात है। बिहार की क्या स्थिति है? बिहार आबादी के हिसाब से देश में तीसरे नंबर पर है। हेल्थ के बारे में पहले क्या स्थिति थी? 2006 में फरवरी तक हम लोगों ने सर्वेक्षण करा लिया। हम लोग भी क्षेत्र में घूमते थे। हर गरीब परिवार को भोजन से ज्यादा इलाज पर खर्च है, फिर भी इलाज नहीं होता था। यहाँ के अस्पताल में कम लोग जाते थे। अब कितने अस्पताल बढ़े हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बढ़े हैं, ये देखने की जरूरत है। गरुर के संरक्षण पर 39 लाख रुपए खर्च। बिहार में गरुर के संरक्षण को लेकर तैयारियां जारी है। इसको लेकर वन विभाग के संयुक्त सचिव ने अपनी चिट्ठी भी जारी की है, जिसके बाद अब बिहार के भागलपुर जिले के गांगे क्षेत्र में गरुर के संरक्षण और सुरक्षा पर वन विभाग 39.03 लाख रुपए खर्च करने जा रहा है। इसमें 9.75 लाख रुपए खर्च करने की तत्काल स्वीकृति विभाग की तरफ से जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में रहने वाले दुर्लभ पक्षियों के मूवमेंट जानने के लिए अब आगे की योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत ही अब तक रहने वाले 200 से अधिक परिंदे के पांव में छल्ले पहनाए जा चुके हैं। अब तैयारी इस बात की हो रही है कि पक्षियों के पांव में सैटेलाइट ट्रांसमीटर पहनाए जाए, ताकि उनके मूवमेंट का पता हर वक्त चलता रहे। जगदानंद सिंह ने लालू प्रसाद यादव को व्यक्ति नहीं बल्कि बताया विचार। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां जारी है। हालांकि इन सबके बीच बिहार में महागठबंधन में तकरार भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर NDA ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा जहां एक तरफ कर दी है, वहीं दूसरी तरफ अभी तक महागठबंधन सीट शेयरिंग का मामला नहीं सुलझा सका है, क्योंकि राजद ने दोनों सीट पर अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। इसी बीच इस मुद्दे को लेकर जगदानंद सिंह ने अपना बयान जारी किया है। हालांकि इस दौरान वो सवालों से बचते देखे गए, लेकिन उन्होंने बातों ही बातों में कहा कि राजद ने महागठबंधन की सभी पार्टी से बातचीत कर प्रत्याशी उतारने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लालू यादव एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को मिली रिहाई।
बीते दिन जनाधिकार पार्टी के मुखिया और कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही खास दिन रहा, क्योंकि बीते दिन ही मधेपुरा कोर्ट से पप्पू यादव को जमानत दे दी गई, जिसके बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव और उनके समर्थकों के बीच काफी जश्न का माहौल देखने को मिला। वहीं इस मुद्दे को लेकर जाप युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने पप्पू यादव की रिहाई को जनता की जीत बताया है और कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, परास्त नहीं। हम लोग देश के संविधान और न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखते हैं, जिसके सामने साजिशों का परास्त होना तय था। पप्पू यादव की रिहाई को लेकर उन्होंने आगे कहा कि क्रांति नायक पप्पू यादव ने कोरोना महामारी के दौरान असंख्य लोगों का जीवन बचाने का काम किया। अस्पताल माफिया, एम्बुलेंस चोर, सांसद और भाजपा के दबाव में बिहार सरकार ने उन्हें साजिश के तहत जेल भेजा था। प्रेमचंद मिश्रा ने लोजपा में टूट के लिए जदयू को ठहराया जिम्मेदार। बिहार विधानसभा उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। हालांकि सबके बीच कांग्रेस ने चिराग पासवान पर नया दाव खेला है, जिसको लेकर कांग्रेस नेता ने कहा कि लोजपा में टूट के लिए जदयू जिम्मेदार है। ऐसे में चिराग पासवान को जदयू प्रत्याशी को हराने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं, ऐसे में लोजपा का चुनाव चिन्ह चिराग को ही मिलना चाहिए। इस दौरान उन्होंने चुनाव आयोग से भी अपील की है कि लोजपा के चुनाव चिन्ह बंगला छाप चिराग को दिया जाए। वहीं उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि राजद महागठबंधन के धर्म का पालन नहीं कर रहा है, ऐसे में कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। के बाद जातिगत जनगणना को लेकर कोई फैसला लेगी नीतीश सरकार। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार शोरगुल जारी है, जिसके तहत विपक्ष बार बार सरकार से खुद ही जातिगत जनगणना करवाने की मांग कर रहा है। इन सबके बीच अब जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके बाद यह उम्मीद जागी है कि बिहार में जल्द ही जातिगत जनगणना करवाई जा सकती है। जिसके तहत मीडिया से बातचीत के दौरान बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर दोहराया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब केंद्र ने चूंकि अपने स्तर से इसे कराने से मना कर दिया है, तो जल्द ही सभी दलों के साथ बैठक कर हम लोग आगे का फैसला लेंगे। ज्ञात हो जातिगत जनगणना करवाने को लेकर बिहार सरकार ने केंद्र से मांग की थी, लेकिन केंद्र ने मांगों को मानने से इनकार कर दिया। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1676 में इंग्लैंड के राजा से मुंबई में भारतीय मुद्रा ढालने का अधिकार मिला। कलकत्ता शहर में 1864 को चक्रवात से लगभग 50,000 लोगों की मौत हुई। आज ही के दिन मीरा साहिब बीवी 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। भारत ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर होने वाली विशेष बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला 1999 में आज ही के दिन पेश किया था। भारत में दुनिया का सबसे सस्ता 2,250 रुपए का टैबलेट पीसी आकाश 2011 में जारी किया गया। भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध वीरांगना रानियों में से एक रानी दुर्गावती का जन्म 1524 में आज के दिन हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखकों में से एक दुर्गा प्रसाद खत्री का निधन 1937 में आज के दिन हुआ था। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को लेकर रोहित शर्मा ने दिया बड़ा बयान। हाल ही में टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट सीरीज को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि भारतीय टीम टेस्ट सीरीज में विजेता रही। खेल सामग्री बनाने वाली कंपनी एडिडास की ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित ने कहा कि मुझे नहीं पता कि आधिकारिक रूप से क्या फैसला रहेगा, लेकिन हमने अच्छा प्रदर्शन किया और मेरी नजर में हमने 2-1 से श्रृंखला जीती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज संपन्न हुआ, जिसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया। दरअसल 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 4 मुकाबले ही खेले जा सके, क्योंकि मैनचेस्टर में होने वाले अंतिम टेस्ट को रद्द करना पड़ गया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, उमेश राजकुमार, आयुष राज, जितेंद्र ठाकुर, पिंकी कुमारी, सुजीत कुमार, देवशंकर कुमार, पवन कुमार, रंजीत कुमार, रणबीर राम, प्रभुनंद कुमार, कमलेश कुमार, सुनील कुमार महतो, श्रीराम कुमार, संतोष कुमार, रणधीर कुमार सिंह, रितेश कुमार सिंह, मुन्ना यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार आईपीएल के इस सीजन में फाइनल में कौन दो टीमों के पहुंचने की सबसे ज्यादा संभावना है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।